students, today we are going to discuss about exercise 7.9 integrals class 12 question 13 x dx by x square plus 1. Put integration के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x square plus 1 को मैं t put करती हूँ तो 2x dx हमारा क्या आ गया dp. हमारे पास क्या है x dx को क्या रखेंगे हम dt by 2. अब हमारे पास लिमिट क्या है x के हैं, हम t पुट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, जब उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमारे पास लिमिट भी किसकी होनी चाहिए t की. तो आप इसमें t की लिमिट बनाइए, जब मैं x को 2 पुट करूंगी तो t क्या आएगा, पुट x इज 2, पुट x इज 2 देन t इज 5, 2 का square plus 1 is 5. Put x is equal to 3, then t is 3 का square 9 plus 1 is 10. तो हमारे पास क्या बनेगा, integration 5 to 10 dt 1 by 2 t. इसका integration क्या बना हमारा, 1 by 2 log t 5 to 10. और जब मैं यहाँ पुट करूंगी लिमिट तो हमारे पास बनेगा 1 by 2 log 10 माइनस में log 5. और वी कैन राइट दिस 1 by 2 log 10 by 5, log m by n, एंड दिस इज 1 by 2 log 2. ठीक है, नीचे वाले को हमने t पुट किया, ऊपर dt हो गया, t की लिमिट बनाई हमने, पुट किया log t, t की लिमिट log m by n, and hence we get the answer. Next question 14 is this. We take separate this polynomial 5x square plus 1 dx 0 to 1 प्लस 3 बाय में 5x स्क्वायर प्लस 1 dx 0 टू 1. अगर ऊपर हमारा 10x हो जाए तो हमारा नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा, तो आप लिखिए यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5. i1 को सॉल्व किया हमने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5, क्या बनेगा, 5 टू जो 10 एक्स 1 बाय 5 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 टू 1 डीएक्स. यहां से क्या बना, हमने पुट किया, पुट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज टी, 10 एक्स डीएक्स इज डीटी. अब लिमिट भी पुट कीजिए, जब हम पुट x इज 0 देन t इज 1, 0 1 आ जाएगा, एंड x इज 1 देन t इज 6, 1 का स्क्वायर 1, 1 into 5 plus 1 is 6, पुट 1 by 5 1 to 6 dt by में t, वो बनेगा हमारा 1 by 5 log t 1 to 6. यहां से हम लिखेंगे 1 by 5 log 6 by 1, log 6 minus log 1 that is log 6 by 1, and we can write log 6. ठीक है, आप आ जाइए i2 में आप क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे 3 by 5 x square plus 1 dx. परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 1 होना चाहिए, तो उसके लिए आपने क्या किया, 3 5 को बाहर लिया, 5 को बाहर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया. आप अंदर क्या लिखेंगे, 1 बाय में x का स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट 5 का स्क्वायर dx. ठीक है, मैंने 5 को बाहर ले लिया, ये x का स्क्वायर हो गया, ये 1 बाय रूट 5 का स्क्वायर. अब हमारे पास x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर किसका
क्वेश्चन होता है 1/a, a मीन्स टेंजेंट इनवर्स x बाय a और लिमिट क्या हमारी 0 to 1। यहाँ से हम रूट फाइव को ऊपर ले जाएंगे, हमारे पास रहेगा 3/√5 टेंजेंट इनवर्स √5x, x मीन्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स √5 इंटू में 0। यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/√5 टेंजेंट इनवर्स √5 एंड टेंजेंट इनवर्स 0 इज 0। दिस इज अवर आंसर। क्या किया है हमने, सेपरेट किया, या तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बना लिया, टी में बना तो टी में इसकी लिमिट भी बना लिया, इजीली हो जाएगा। अब यहां हमने नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाया, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 1 होना चाहिए। तो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, 5 को हमने बाहर ले लिया, तो हमारे पास रहा एक्स का स्क्वायर प्लस 1/√5 का। ये हमारा किसका इंटीग्रेशन होता है, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टेंजेंट इनवर्स। तो हमने लिखा 1/a टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय, यहाँ से रूट फाइव ऊपर जाएगा तो हमारे पास रूट फाइव से 5 कटेगा तो 3/√5 रहेगा। ठीक है, हमें लिमिट पुट की हमने टेंजेंट इनवर्स √5 इंटू में 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स √5 इंटू में 0, टेंजेंट इनवर्स 0 इज 0 एंड यहाँ टेंजेंट इनवर्स √5 इज अवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 इज पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 2x dx इज dt, we have x dx, x dx is dt by 2. Limit is when x is 0 then t is, जब हम x को 0 put करेंगे तो t भी क्या होगी 0, जब हम x को 1 put करेंगे तो t हमारा क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, लिमिट यही रहेगी। पुट कीजिए 0 to 1 e की t dt by 2, e की t का इंटीग्रेशन e की t और लिमिट हमारी 0 to 1 e की 1 माइनस e की 0। ठीक है, और e की 0 हमारा क्या होता है 1, ये हमारा आंसर। ओके, हमने क्या किया, x स्क्वायर है तो यह हमारा dt बन जाता है, इसको t पुट करेंगे तो, पर लिमिट भी t में चेंज करके हमने इजीली सोल्व कर लिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 16 इज 5x² / x² + 4x + 3। देखना, ये हमारी जो स्टेटमेंट है या पॉलिनोमियल है या फ्रैक्शन है, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर है तो सबसे पहले जो भी पार्ट इसको इम्प्रॉपर बना रहा है वो हमें अलग करना पड़ेगा, और वो अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फ्रैक्शन को हमने डिवाइड करना पड़ेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा इसको। मेरा कहने का मतलब ये है, इसको जब हमने डिवाइड किया किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से, किसकी जाएगी हमारी, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, हमें चाहता 5x² है तो हम लगाएंगे 5, लिखेंगे 5x² + 70x + 15 एंड साइन चेंजिंग वी हैव आंसर इज 70x - 15 एंड वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट इज 5 प्लस में माइनस में 70x + 15 बाय में x² + 4x + 3 dx। अब हम उसको सोल्व करेंगे, 70x + 15 को आई मान लीजिए बार और इसको सोल्व कीजिए। देखना, 70x + 15 बाय में x² + 4x + 3 को आप सोल्व कीजिए तो
हमारे पास सबसे पहले इनके फैक्टर होने चाहिए और इसके फैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x प्लस थ्री और x प्लस वन, थ्री और वन फोर होगा, थ्री और वन के मल्टीप्लाई थ्री होगी। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, a के नीचे इसका एक पार्ट और b के नीचे इसका दूसरा पार्ट, और एलसीएम लेके जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी जो होगी a इंटू में x प्लस थ्री प्लस b इंटू में x प्लस वन। इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर थ्री, हम x की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस वन। x की जगह माइनस वन पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा a इंटू में टू बी जीरो टू ए माइनस फाइव, a इज माइनस फाइव बाय टू। सिमिलरली वी पुट x इज माइनस थ्री, वी गेट 20 इंटू में माइनस थ्री प्लस 15 इज b इंटू में माइनस टू, माइनस थ्री प्लस वन इज माइनस टू, 73 इज 60, 60 में से 15 गए हमारे 45 बाय में 2 इज b, ठीक है, ये हमारी आ गई b की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन टू, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन टू, पुट कीजिए हमारे पास क्या मिला, a इज, a क्या है हमारे पास, माइनस फाइव बाय टू वन बाय एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस b इज 45 बाय टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स। पुट इक्वेशन फोर इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू आई ना, ये यही है तो इसकी जगह आप पुट कर देंगे पुट इक्वेशन फोर इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास क्या मिलेगा, फाइव माइनस वो और माइनस ए प्लस फाइव बाय टू एक्स प्लस वन डी एक्स माइनस वो वाला माइनस 45 बाय टू डी एक्स बाय में एक्स प्लस थ्री और यहाँ डी एक्स, ठीक है, इसको आप सोल्व कीजिए। यहाँ से हमारे पास 5 डी एक्स इज 5 एक्स, लिमिट है इनकी हमारी 1 to 2, 1 to 2, 5 एक्स प्लस 5 बाय टू लॉग एक्स माइनस 45 बाय टू लॉग एक्स, और लिमिट हम इसकी सारों की इकट्ठी लिखते हैं 1 बाय 2, ठीक है। अब आप इसकी लिमिट पुट करेंगे, हमारे पास लिमिट क्या आएगी, 5 इंटू में 2 प्लस 5 बाय टू लॉग 3, 2 प्लस 1 3 माइनस 45 बाय टू लॉग 5 माइनस, इसको आप बड़ी ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं ताकि बीच में हमारे पास वो ब्रैकेट हो तो हम परेशान न हो। अब 1 पुट कीजिए, 5 इंटू में 1 प्लस 5 बाय 2 लॉग 2, 1 और 1 2 माइनस 45 बाय 2 लॉग 4, अब इसको सोल्व कीजिए। यहाँ से हमारे पास आया 10 प्लस 5 बाय 2 लॉग 3 माइनस 45 बाय टू लॉग 5 माइनस 5 माइनस 5 बाय टू लॉग 2 प्लस 45 बाय टू लॉग 4। यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 5 इज 5 प्लस 5 बाय टू हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बनेगा लॉग 3 बाय टू लॉग m माइनस लॉग n, ऐसे ही 45 बाय टू को आप कॉमन लीजिए log 4 by 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा m माइनस। क्या किया है हमने, फिर देखिए, सबसे पहले हमने इसको इम्प्रॉपर से मिक्स्ड बनाया,
मिक्स से फाइ अलग हो गया है। यहाँ इसके फैक्टर बना के हमने ए के नीचे और बी के नीचे लिखे, बी की वैल्यू निकाल के वापिस यहाँ पुट किया, उसको इंटीग्रेट किया, वहां इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये आया, उनकी लिमिट पुट करके हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद जो 5/2 लॉग वाले थे वो अलग किए, 45/2 लॉग वाले थे अलग किए, उन दोनों में लॉग एम और एन लग रहा था, लॉग एम माइनस लॉग एन इज लॉग एम बाय एन किया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।